बिहार में राजनीतिक घमासान में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक नेता तो बनकर उभर ही गए। जिस प्रकार से उन्होंने अपने सत्ता गंवाने के बाद तेज तरार नेता की तरह पूरे मामले को संभाल रखा है, वह अविश्वसनीय है। तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष नेता के रूप में जोरदार ढंग से विधानसभा में अपना पक्ष रखा, यहाँ तक कि उसके बाद भी उन्होंने जिस तरह से मीडिया से बात की, इससे काफी दूरदर्शिता दिखता है। तेजस्वी यादव ने उन पर लगे सभी आरोपों को एक एक कर जवाब दिया, यहाँ तक कहा कि अगर आप हमसे इस्तीफा मांगते तो मैं दे देता, लेकिन आपने प्रदेश की जनता को गुमराह किया है। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में विगत 4 सालों में सत्ता के उलटफेर का भी जिक्र किया। यह सब केवल एक व्यक्ति के महत्वाकांक्षा के चलते हुआ है। खैर, विपक्ष के नेता के तौर पर जो तेजस्वी को आरोप लगाने थे उन्होंने लगाए, इसका सही जवाब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया। लेकिन जिस प्रकार से तर्क सहित संयम से अपनी बात रखी, इससे तो यह तय हो गया है कि एक युवा नेता बिहार को मिल गया है जो देर सवेर प्रदेश की कमान संभालेगा। तेजस्वी यादव जहां जरूरत हुई अपनी आक्रामकता भी दिखाई। दरअसल किसी नेता की प्रतिभा तभी दिख जाती है जब वह दूरदर्शिता के तहत अपने कार्यों को संयम से निपटाता है। तेजस्वी में यह गुण है। तेजस्वी के पास एक शक्ति उनके विधानमंडल में सदस्यों की संख्या भी है, जिनकी संख्या 80 है। इतने विधायकों के साथ वे प्रतिपक्ष के नेता हैं, जहां उनको विविध विचार मिलेंगे और इनसे सीख भी। लालू प्रसाद के साथ कई पुराने नेता हैं जो इनमें चुनकर आए हैं। कई ऐसे नेता हैं जो युवा हैं और उनमें काफी प्रतिभा है। तेजस्वी को इन सबको साथ मिलेगा। तेजस्वी को इन सबका साथ मिलेगा। तेजस्वी यादव की खास बात यह है कि वे बिहार के टिपिकल नेता की तरह ना होकर राष्ट्रीय नेताओं के सारे गुण दिखाई दे रहे हैं, जो आज की जनता चाह रही है, युवा चाह रहे हैं। आज सोशल मीडिया का युग है और निश्चित तौर पर यह राजनीति को भी काफी प्रभावित कर रहा है। तेजस्वी यादव की संयम की काफी चर्चा भी हुई। अब जब लालू का जादू खत्म होने को है, बिहार की राजनीति भी कुछ नया खोज रहा है, ऐसे में तेजस्वी इन सबों को देखकर प्रतिपक्ष नेता के रूप में अपने आप को स्थापित कर लेंगे, यह तो तय है। इसमें उनका साथ लालू यादव के अनुभव का भी मिलेगा, जिनके पास राजनीति के अपार अनुभव है। साफ है कि नीतीश कुमार के लिए अगले चुनाव आसान नहीं होने वाला है। उनको अब तेजस्वी जैसे नेताओं की चुनौती भी स्वीकारनी होगी, जो पहले उन्हें नहीं मिल रही थी।